दफा लौटाने आई हूँ। क्यों, क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ सुधा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जिस बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुखद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुखद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुखद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमूही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना इन्हें भी उतार दे, ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मेंटू, और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म चली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिस्टर डेविड। और रखो गुंडे मवाली को अपने घर में, जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियाँ है ना बेटा ना बेटी, तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या? अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के रहेंगे। पागल हो गई हो तुम, आत्महत्या करना बुजदली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने, किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीबी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीबी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब गा रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ।
तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Oh!